क्या टर्की की पुलिस कहता है, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। वीडियो शूट रहा है गलाता इस्तांबुल टर्की में, और यहाँ पे आज चल रही है मैराथन, और मेरे साथ यहाँ पे हैं अरुण भाई। अरुण भाई को तो आप पहले से जानते हो, बहुत सारे ब्लॉग में देखा होगा आपने। यहाँ पे अभी पोर्ट से बिल्कुल एग्जिट हो गए, हम बाहर आ गए हैं, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट की तरफ को। आज यहाँ पे गलाता जो इस्तांबुल है, ये पूरा सिटी आज क्लोज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैराथन चल रही है। तो रोड में गाड़ी वगैरह कुछ नहीं चल रही है, ट्रेन वेन सब बंद है, क्योंकि रोड में मैराथन चल रही है। आपको दिखा देता हूँ, सामने देखो आप, मैराथन चल रही है, बहुत दूर से आ रही है। अब अगर सब इस्तांबुल के दौड़ रहे हैं, बहुत लंबी मैराथन चल रही है, बुढ़े जवान सारे लोग दौड़ रहे हैं। और यहाँ पे अरुण भाई भी मैराथन, कहाँ गए अरुण भाई? अरे आप उस तरफ को चले गए? चलो आ रहा हूँ मैं, अब मुझे भी क्रॉस करके उस तरफ को जाना पड़ेगा। जो टैक्सन स्क्वायर मार्केट है वहाँ पे जा रहे हैं हम अभी। अब देखेंगे पुलिस और एम्बुलेंस वगैरह खड़ी हैं, पूरी रोड ब्लॉक कर रखी है पुलिस ने। ये देखो सामने ट्रक लगा हुआ है। तो यहाँ पे आज कोई भी गाड़ी नहीं चलेंगी, साइकिल तक नहीं चल रही है, क्योंकि मैराथन चल रही है। 4 बजे तक तो ऐसे ही रहेगा, इस्तांबुल में इतना ट्रैफिक रहता है। लेकिन आज आप देखेंगे पूरी रोड खाली है, सुनसान है, लोग चल रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, सारी गाड़ियाँ लाइन से रोड पर खड़ी है। आपको दिखाता हूँ, यहाँ दूर तक आप देख सकते हैं रोड में एक साइकिल भी नहीं चल रही है, लोगों की गाड़ियाँ बस ऐसे ही खड़ी हैं रोड के किनारे, चारों तरफ जहाँ भी आप देखेंगे। हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्लियर, लेकिन ऊपर हेलीकॉप्टर से भी नज़र रखी जा रही है, वीडियो भी शूट हो रहा है और नज़र भी रखी जा रही है मैराथन में। इससे इतनी चढ़ाई है ऊपर जाने के लिए, आप देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अल्मोड़ा में चल रहा हूँ। हाई, हाउ आर यू? हमने यहाँ पे देखो ये वुडन हाउस पूरा लकड़ी का बनाया हुआ है, क्या मस्त डिजाइन है भाई। यहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं टैक्सन स्क्वायर, जो आपको स्ट्रीट दिख रही है मेरे पीछे, बहुत लंबी स्ट्रीट है और बहुत फेमस भी है, सारी शॉप्स शॉपिंग वगैरह करने के लिए, रेस्टोरेंट वगैरह इसी स्ट्रीट में है ज़्यादातर गलाता में, अगर आप आते हैं इस्तांबुल में। आपको आगे स्ट्रीट दिखा देता हूँ, कितनी बड़ी स्ट्रीट है। Good morning. Welcome to Istanbul. How are you? I'm good. You? Where are you from? I'm from India. India. Also. Can you visit the church? Yes. Okay, चर्च है बहुत फेमस, तो अभी मैं उसके अंदर जा रहा हूँ। अरुण भाई हमारे आगे निकल चुके हैं, आपको यहाँ से कुछ चर्च का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं, कुछ इस तरह का है, बहुत प्यारा चर्च है भाई। भाई इसका नज़ारा देखो, मस्त है, क्या मस्त चर्च है, एक नंबर। बुक ले ली क्या आपने? अरे उसने दे दी यार, उसने पैसे पूछा कि भाई कहाँ से हो? हाँ इंडिया से, कहता हिंदू वगैरह, कहता इस गिफ्ट फॉर यू। तो गिफ्ट दे दी, पैसे नहीं लिया उसने? पहले 10 यूरो बोला था इसका, दे रहा था 10 यूरो, लेकिन वो तो फ्री में दे के चला गया हिंदू बोल के। क्या इसमें अच्छा है, इस इंफॉर्मेशन है इसके बारे में, मैप वगैरह बता रहा था क्या है क्या नहीं है। चलो ठीक है, बुक अच्छी है, काम आ जाएगी हमारे आगे, आगे विजिट करने को ठीक है। थैंक यू फॉर योर बुक। यहाँ पे हमने शॉपिंग की थी, दोबारा हम वहीं पे आ गए हैं। थोड़ा सा जैकेट जो हमने ली थी वो चेंज करानी है, उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया, अनफिट सा लग रहा है, इसलिए हम दोबारा जा रहे हैं अंदर। यही शॉप है सामने, उधर ही आंटी। हाय, सामने अरुण भाई चेक कर रहे हैं अपने जीन्स वगैरह, और मैं भी देख लेता हूँ कुछ। थैंक यू, बाय बाय बाय। थोड़ी बहुत शॉपिंग आज भी कर ली है, 2-4 टी शर्ट वगैरह उठा ली हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर को। हमने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है टर्की की पुलिस, और आज पता नहीं यहाँ पे इतनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी क्यों है। मैराथन भी वैसे भी हो सकता है कि टाइट सिक्योरिटी हो थोड़ा, लेकिन ऊपर जो हम टैक्सन स्क्वायर गली में घूम रहे हैं, यहाँ पे भी काफ़ी पुलिस वगैरह घूम रही है, दुकानों में चेकिंग चल रही है ऊपर, आप देख सकते हैं वहाँ पे। कैसी अजीब सी गाड़ी है देखो, इसको पूरी बैठी हुई है, मतलब टायर पूरे अंदर घुस गए हैं, पहली बार ऐसा सीन देख रहा हूँ मैं गाड़ी का, पूरे टायर अंदर घुसे हुए हैं। और आपने अगर मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो यहाँ पे जो जूस की दुकान है, यहाँ पे एक मतलब हिंदी बोलता है वो बंदा थोड़ा बहुत, यहाँ पे अंदर है अभी तो जूस बना रहा है। हाय, कैसा है? बढ़िया बढ़िया, पता है
बाय, टेक केयर। यहाँ पे आप देखेंगे हम घूम घाम के वापस आ गए हैं और जो मैराथन वाले थे और वो थक गए हैं, पैदल चल रहे हैं। वापस आ चुके हैं पोर्ट में, मतलब पोर्ट में एंट्री होने वाली है अभी, हमारे सामने ही पोर्ट है, शिप अपना सामने डॉक हुआ है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। शॉपिंग वगैरह भी हो गई है और मैराथन तो अभी चल ही रही है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो हो गया अभी। सामने आप देख सकते हैं ये अपना शिप यहाँ पे डॉक हुआ है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह करा के हम लोग जाएंगे अंदर। ये पीछे जो आपको दिख रहा है ये तो मस्जिद है यहाँ पे, और यहाँ पे एक पेड़ का बहुत अच्छा डिज़ाइन बना रखा है। खाली एक पेड़ है लेकिन इसको इतने प्यार से रखा हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है दूर से देखने में, लोग इसमें फोटो वगैरह खिंचवा रहे हैं अपनी। क्यों अरे भाई, क्या सोच रहे हो पेड़ को देख के? ऐसे तो हमारे यहाँ बरसात में टूटते रहते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का टाइम हो गया है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।